आज मैं अपने साइकिल के अंदर अपने 5 साल पुराने फ्री व्हील को रिमूव करने वाला हूं एंड एक नए फ्री व्हील को इंस्टॉल करने वाला हूं। ये वीडियो आपको कहीं भी पसंद आए वीडियो जरूर से कर देना लाइक। अगर आप ऐसी वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर और ज्यादा देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड नोटिफिकेशन की बेल भी दबा देना। ज्यादा बात नहीं करते एंड पढ़ते हैं सीधे इस वाली वीडियो के अंदर। तो बेसिकली गाइस, फ्री व्हील को रिमूव या फिर इंस्टॉल करने के लिए ना आपको इस वाले टूल की जरूरत पड़ती है। ये एक फ्री व्हील रिमूवल होता है एंड किसी भी तरीके का आपका फ्री व्हील इससे रिमूव हो जाएगा। आपको 6 स्पीड का फ्री व्हील हो, 7 स्पीड का फ्री व्हील हो, अगर आप खुद से फ्री व्हील को रिमूव करना चाहते हैं तो इसे आप परचेज कर सकते हो, या फिर भाई मैं तो यही बोलूंगा आप किसी दुकान से करा लेना। आपके मैक्सिमम भाई 50-100 रुपए ही लगेंगे। एंड करेंटली ये है मेरे फ्री व्हील की कंडीशन। ये फ्री व्हील स्टार्टिंग से इसी साइकिल में लगा हुआ है एंड आज तक मैंने इसे चेंज नहीं कराया है। ये नई चेन इंस्टॉल करते हुए फ्री व्हील एंड क्रैंकसेट को भी रिप्लेस कर लेना चाहिए। एक जब से साइकिल मेरे पास है तब से मैंने इस फ्री व्हील को छेड़ा भी नहीं है। इस वजह से ये कम्प्लीटली गाइस जाम हो गया था एंड इसी वजह से मेरे को एक साइकिल शॉप वाले के पास इसे ले जाना पड़ा, क्योंकि खुद से खोलना तो भाई ये बहुत ज्यादा ही हार्ड था। उसने एक हथौड़ा मारा एंड ये भाई बहुत आराम से खुल गया। उसके बाद मैं इसे लगवा के वापस ले आया एंड फिर घर पे मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड करा है। ये जो पुराना वाला फ्री व्हील है ना, ये 14-34 टीथ का फ्री व्हील है एंड ये एक 7 स्पीड फ्री व्हील है। आपको ये नॉर्मली बहुत कम साइकिल्स में मिलने वाला है। 14-28 टीथ का फ्री व्हील ही कॉमन है। देखो ये एक नॉर्मल फ्री व्हील ही है बट ज्यादातर साइकिल्स में ये चीज नहीं मिलती है। आप इसी कंडीशन को देखेंगे ना तो आपको भी भाई समझ आ जाएगा इसे मेरे को बहुत पहले ही चेंज करा लेना चाहिए था। जब मैं इसको घुमा रहा हूँ ना, ये घूम भी नहीं पा रहा है एंड कुछ इस तरीके से ये जल्दी से जल्दी रुक जाता है। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, या तो मैं इस फ्री व्हील को गई सर्विस कराऊं या फिर इसे फेंक दूं एंड नए फ्री व्हील को ही खरीदूं। तो मैंने नए फ्री व्हील को ही लगाया क्योंकि इस वाली फ्री व्हील को बहुत ज्यादा टाइम हो चुका था। इस वाली फ्री व्हील का वेट अराउंड 540 ग्राम्स है जो कि गाइस काफी ज्यादा हैवी है एंड ये मेरा न्यू फ्री व्हील है। अब ये वाला जो फ्री व्हील है ये 14-28 टीथ का फ्री व्हील है एंड ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करा है। इसका बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। जो भी मैं प्रोडक्ट्स यूज कर रहा हूं ना, मैं सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा एंड पिन कमेंट्स में भी दूंगा। अगर आपको खरीदना है आप वहां से जाके खरीद सकते हैं, अगर आपको चेकआउट करना है तो भी वो चीज आप वहां से उसकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। एंड लिटरली गाइस ये इस फटी हुई पैकेजिंग में ही डिलीवर किया गया था। दिखने में तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ज्यादा खराब होने वाला है बट नहीं गाइस, अंदर जो प्रोडक्ट है ना वो का ऑपोजिट है, वो काफी ज्यादा बढ़िया काम कर रहा है। एंड जैसे कि आप इसे देख सकते हैं, जैसे मैं इसे घुमाता हूं ना, ये पुराने वाले फ्री व्हील के कंपैरिजन में कितना ज्यादा देर तक घूमता रहता है। पुराना वाला फ्री व्हील है ना वो एक तरीके से गाइस जाम ही है एंड जो न्यू वाला है वो बहुत ज्यादा फ्री है एंड वेट डिफरेंस भी इनका पकड़ने में फील हो जाता है। एंड वहीं पे मैंने इसे मेजर भी करा है तो ये अराउंड 450 ग्राम्स का है। तो ऑलमोस्ट गाइस मोटा मोटा इसमें 100 ग्राम्स का डिफरेंस है एंड साइकिलिंग में इतना वेट बचाना भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। अब इसे इंस्टॉल करना काफी ज्यादा आसान है। सबसे पहले तो मैंने अपने पूरे हब को क्लीन कर लिया एंड इसे सर्विस करवा लिया था जब मैं इसे दुकान पे ले गया था, तो वो चीज तो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा है बट कुछ इस तरीके से आप इसे क्लीन कर सकते हैं। एंड इंस्टॉल करने से पहले भाई ग्रीस लगा लेना ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप इसे रिमूव करें ये स्टार्टिंग की तरह जाम ना हो, आप इसे काफी आराम से घर पे ही खुल पाए। तो उसके लिए ग्रीस लगाना मत भूलना। मैंने भी ग्रीस लगा दिया एंड फिर कुछ इस तरीके से इसे खाली रोटेट करना होता है। इसे आप खाली घुमाते रहेंगे ना ये अपने आप टाइट हो जाएगा एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसके बाद ये टाइट नहीं होगा। एंड जब मैं इसे टूल से भी और टाइट करने की कोशिश कर रहा था तो वो और टाइट नहीं हो रहा था एंड इससे ज्यादा टाइट करने की गई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इसे यूज करते हैं ये चेन के साथ भी यूज होते होते अपने आप ही टाइट होता जाता है। एंड बस गाइस आपका फ्री व्हील इंस्टॉल हो चुका है, आपको इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड जब मैं इसे इंस्टॉल कर दिया ना तब आप इसकी मूवमेंट एक बार चेकआउट कर लो, ये कितनी देर तक घूमता रहता है। अब बेसिक प्रोसीजर तो यही है, अपने व्हील को रिमूव करो, फ्री व्हील को निकालो, नई फ्री व्हील को इंस्टॉल कर दो एंड फिर अपने व्हील को साइकिल में लगा दो। अगर आप 6 स्पीड के फ्री व्हील से 7 स्पीड के फ्री व्हील में अपग्रेड कर रहे हो ना, तब तो आपको शिफ्टर्स भी नहीं खरीदने पड़ेंगे एंड जो आपका डिरेलर है अगर वो 7 स्पीड को सपोर्ट करता है तब तो आपको उसके जो लिमिट स्क्रूज होते हैं ना इसे एडजस्ट करवाना पड़ेगा या फिर खुद करना पड़ेगा। एंड ये चीज भी आप जरूर कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। अगर आपके पास 6 स्पीड का फ्री व्हील है आप इसे 7 स्पीड में अपग्रेड कर सकते हो, बहुत बढ़िया रहेगा। अभी तो मैं इस साइकिल में और भी ज्यादा मॉडिफिकेशंस करने वाला हूं और ज्यादा एडिशंस करने वाला हूं और दूसरे कंपोनेंट्स को भी चेंज करूंगा। तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को रिप्लेस करते हुए वीडियो बनाऊं ना, तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में को बता सकते हैं। आपको जल्द से जल्द उस टॉपिक या फिर उस कंपोनेंट पे भी वीडियो देखने को मिल जाएगी। ये वाला जो फ्री व्हील है ना, इसे मैंने सेल में ऑर्डर करा था एंड ये मेरे को सिर्फ 300 रुपए का मिल गया था, तो उस प्राइस में तो ये एक बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डील है। अब ये वैल्यू फॉर मनी इस वजह से क्योंकि सेम फ्री व्हील 14-28 टीथ का अगर आप शिमानो ब्रांड की तरफ से खरीदने जाएंगे वो ऑलमोस्ट आपको 900 रुपए का मिलेगा। क्वालिटी में हो सकता है इसके कंपैरिजन में शिमानो वाला थोड़ा सा बेटर हो बट 3 टाइम्स का प्राइस डिफरेंस है एंड 300 रुपए के लिए ये बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अगर आपको भी अपना फ्री व्हील चेंज कराना है ना, मैं आपको
रिकमेंड कर सकता हूँ, इस लोकल वाले फ्री व्हील को आप खरीद सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर प्रॉब्लम आ भी गई तो भाई एक साल बाद आप नया फ्री व्हील लगा लो, 300 रुपए ही लगेंगे, वहीं पे शिमानो वाला भाई सीधा 900-1000 रुपए का खर्चा आएगा। तो ये चीज भाई बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। अब इंस्टॉल तो मैंने इसे कर लिया है, अब अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ ना, तो गियर चेंजिंग में मेरे को कोई फर्क नहीं देखने को मिला। ओवरऑल जो साइकिल को मैं चला रहा हूँ, जो चेन है वो उतर नहीं रही है, वो अगेन एक प्लस पॉइंट है। थर्ड पॉइंट ये है कि पहले मेरा ब्रांडेड वाला फ्री व्हील था, अब इसमें लोकल लगाया। ब्रांडेड लोकल से भाई कोई भी फर्क नहीं पता लगा, रियल लाइफ में जब आप साइकिल को चलाते ना इतना कुछ भी पता नहीं लगता है। एंड एक नोटिसेबल डिफरेंस यही मेरे को लगा कि जब मैं अपनी साइकिल को अपने सीट की तरफ से उठा रहा था ना, तब जो पुराने वाले फ्री व्हील में साइकिल काफी ज्यादा हेवी फील हो रही थी, एंड वहीं पे नई वाले फ्री व्हील में गाइस आपको लगेगा कि 100 ग्राम से क्या ही फर्क पड़ता है, बट लिटरली जब आप इसे रियल लाइफ में अपने सामने इसे फर्क को आप महसूस करोगे ना, साइकिल को चलाते हुए या फिर साइकिल को उठाते हुए, काफी ज्यादा भाई साइकिल हल्की फील हो रही है। एंड क्योंकि ये एक नया फ्री व्हील है, साइकिल बहुत ज्यादा स्मूथ चल रही है, एक फ्री व्हील को बदलवाने से भी इतना ज्यादा फर्क आ सकता है, ये चीज गाइस मैंने एक्सपीरियंस करी है। एंड डेफिनेटली गाइस सिर्फ 300 रुपए में ये वाला प्रोडक्ट मिल रहा है, मैं आपको 100% इसे रेकमेंड करूंगा, आप भी इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं अगर आपको अपने फ्री व्हील को बदलवाना है तो। बेस्ट बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दे दूंगा। एंड बस गाइस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इस वाली वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन की बेल को दबाना मत भूलना। ये वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई चीज मैं इंप्रूव कर सकूं उसके बारे में जरूर गाइस आप अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूंगा, उसे पढ़ूंगा। आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, मेरे वहां पे फॉलो कर सकते हैं, एंड मेरे को इंस्टाग्राम पे आके भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी मैं अपनी साइकिल से रिलेटेड अपडेट्स देता रहता हूं। अगर आपको कोई डाउट है वहां पे भी आके आप मेरे से मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं। टिल देन गाइस मिलता हूं आपसे बहुत जल्द अपनी अगली वीडियो के अंदर, टिल देन बाय गाइस। Be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place.